जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, पंचायत सहायकों की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और पंचायत सहायकों द्वारा अपनी समस्या बार बार अपने ऊपर के अधिकारियों पे रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको देखते हुए पंचायत सहायकों द्वारा अब सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी से संबंधित एक अपडेट है, आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। आपसे निवेदन करें, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ और समझ पाएँ। दोस्तों, अगर कोई भी कर्मचारी है उसे कोई भी असुविधाएँ होती हैं, चाहे वो पेमेंट से संबंधित हो या फिर कार्य करने में कोई असुविधा हो, तो वो सीधा अपने ऊपर के अधिकारियों से बोलता है। लेकिन अगर वो ऊपर के अधिकारियों से बोलता है और ऊपर के अधिकारी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आखिर वो क्या करे, ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा गंभीरतापूर्वक इन सारी मामलों को लिया भी जा रहा है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। अब पंचायत सहायकों को जब सारे सिस्टम ही नहीं मिले हैं तो कार्य कैसे करें, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। साथ में मानदेय की समस्या है और मानदेय कम होना भी यहाँ पर एक समस्या दर्शाया जा रहा है, जो कि सही भी है। और साथ में पेमेंट बढ़ाने की भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात कही जा रही है अपने लेटर के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको पूरी अपडेट हम देने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये फोटो लगभग सभी पंचायत सहायकों के ग्रुप में धीरे धीरे वायरल हो रहा है और सभी लोग इसे देख के कहीं ना कहीं अपनी सहमति जाहिर कर रहे हैं कि नहीं, ये ज़रूरी है, ऐसी बातें मुख्यमंत्री जी के पास रखनी चाहिए और आगे क्या होता है उसको समझना। हालांकि ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा है कि इतना जल्दी पेमेंट कहीं बढ़ा दिया जाए या फिर कुछ अन्य अधिकार दे दिए जाए, ऐसा कुछ नहीं अभी देखने को मिलेगा। लेकिन अपनी बात रखना कहीं से भी गलत नहीं होगा, चाहे वो कोई भी बात हो। दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको मैं वो अपडेट दिखाता हूं, आप पहले इस अपडेट को देखिए जो कि बहुत ही तेजी से सभी ग्रुपों में वायरल हो रहा है। आप इस अपडेट को देखिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत सहायक का मानदेय बहुत ही कम है। इतने कम मानदेय में हम सभी भाइयों और बहनों का गुजारा होना संभव नहीं। ग्राम पंचायतों में मनरेगा के काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी 213 रुपये है। हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत है, आज की महंगाई को देखते हुए 6000 रुपये में हमारे परिवार का खर्च पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के सभी पंचायत सहायकों का मानदेय 6000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये किया जाए। उत्तर प्रदेश के सभी पंचायत सहायकों का मानदेय सर समय से दिया जाए। ग्राम प्रधान के सिग्नेचर से हम लोगों मानदेय न दिया जाए। उत्तर प्रदेश के सभी पंचायत सहायकों का मानदेय एक सरकारी कर्मचारी के भांति दिया जाए। ग्राम प्रधान के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी पंचायत सहायकों को बेवजह परेशान न किया जाए। उत्तर प्रदेश के सभी पंचायत सहायकों का मानदेय अभी तक 3-3 महीने का नहीं मिल पा रहा है। आशीष सिंह, पंचायत सहायक, जिला पंचायत शंकर कौशाम्बी। कुछ भूल हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, इस तरीके की कई सारी अपडेशन है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अब पेमेंट की बात है तो जो DPRO द्वारा एक अभियान तौर पे मैं आपको बता दूँ, उसको सीधा सीधा हर ग्रुप में पूछा जा रहा है कि किस पंचायत सहायक का पेमेंट कितने दिनों से बकाया है और उसकी एक सूची तैयार की जा रही है। और उसको एक सूची तैयार करने के बाद सीधा जो VDO है, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनको विकास भवन पे बुला के उनसे डायरेक्ट समीक्षा ली जा रही है। और अगर जो ग्राम विकास अधिकारी हैं यानी कि सेक्रेटरी हैं, वो अपने तरीके से डोंगल लगा दिए हैं वाउचर क्रिएट करके, तो फिर उनका यहाँ पे फंसना नहीं दिख रहा। लेकिन अगर वो नहीं ऐसा किए हैं तो फिर उनको भी कहीं ना कहीं कार्रवाई का शिकार होना पड़ेगा और उनको पेमेंट लगा के फिर विकास भवन से वापस आना पड़ेगा। ऐसी तमाम प्रक्रियाएँ देखने को मिलती है। अब साथ में मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर ग्राम प्रधान डोंगल लगाने से मना करता है आपके पेमेंट का, तो ग्राम प्रधान पर भी कार्रवाई बहुत जल्द होती हुई दिखेगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, आप लोग वेट कर लीजिए। अब इस तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसा कि इसमें इस एक प्रारूप के माध्यम से अपनी बात रखी जा रही है और ये जो मैटर है तमाम सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। लगभग पंचायत सहायकों के सभी ग्रुपों में ये चीज़ें फैल रही हैं धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं जागरूकता भी आ रही है और इसको देखते हुए धीरे धीरे सुधार भी होने वाले हैं। रही बात पेमेंट बढ़ने की, तो वो तो अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि पेमेंट समय मिले इसके लिए कार्य
किए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मुझे नहीं पता कि ये मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है या कि नहीं भेजा गया है, और जहाँ तक इस लेटर को बनाया गया है, अपने तरीके से डेकोरेट किया गया है, तो इसको भेजना चाहिए। और जहाँ भी जो भी समस्याएं हैं उसको अपनी बात अगर अधिकारियों के पास रखते हैं, अधिकारी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर सीधा मुख्यमंत्री के पास भी लेटर भेजना चाहिए। IGRS का भी आप सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ में आप अगर संभव हो तो मुख्यमंत्री जी से मिल के या फिर अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी से मिल के आप अपनी बात रख सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई संकोच नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे ही जास्ती होती रही तो फिर मानदेय में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, और ऐसे ही कार्य चलेंगे, जो आपके अधिकार है वो आपको नहीं मिलते रहेंगे, और आपसे ऐसे ही अन्यत्र काम लिए जाएंगे, जो आपका कार्य है वो कार्य नहीं लेके और आपसे कई अन्यत्र कार्य लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पर देना चाहूँ तो आपका काम है अकाउंटेंट का, लेकिन ग्राम पंचायत के अकाउंटेंट का क्या आप काम कर रहे हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो पूरा आप अपनी जो भी कार्यशैली है उसको समझिए, और आप कई पदों के लिए पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो जो अकाउंटेंट का कार्य है वो कहीं ना कहीं किसी भी, लगभग मैं एक अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ, बहुत ही कम ऐसी ग्राम पंचायतें होंगी जहाँ पे अकाउंटेंट का काम पंचायत सहायक कर रहे होंगे अपने ग्राम पंचायत का। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको ये कार्य मिलना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, और यही सारी मांगे हैं पेमेंट को लेके। ये तमाम चीज़ें आप लोग बड़े अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री जी के पास रखिए। अगर कोई आपके ऊपर का अधिकारी नहीं समझ रहा या फिर आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट भी पहुँचा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों। जय हिंद।